देखिए, जब किसी को कोई पद मिल जाता है तो वो बहुत अभिमानी हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाहे जाहे मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे प्रभुता मिल जाए और अभिमान न मिले। हाँ, हैं कुछ लोग हैं जो प्रभुता को अपनी नहीं मानते, अपितु प्रभुता को प्रभु का प्रसाद समझकर उसका सदुपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते। उन्हें भगवान की ये माया नहीं सताती और उन्हें अभिमान नहीं लगता। उन्हें न अभिमान होता है न माया सताती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवराज इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज पर्वत अपनी कनिष्ठ की उंगली पर धारण करके रखा। मेरे प्यारे, जरा ध्यान से सुनना, अगर आप पे समय है समझना। ये भगवान का स्वभाव है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दे तो मेरे ठाकुर जी उसके अपराध को हमेशा ध्यान में नहीं रखते। एक बार अगर कह दे, हे प्रभु मैं पापी हूं, मैं आप ही का हूं और मैं आपकी शरणागत हूं, वो तुरंत सारे पापों को भुलाकर जीव को अपनी शरण में ले लेते हैं, अपना बना लेते हैं। आए शरण तजो नहीं ताहु, कितना भी बड़ा पापी क्यों हो उसे भी मैं छोड़ता नहीं, उसे भी सुई। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हम भगवान की शरण में नहीं जाते, भगवान से मांगने जाते। सही है गलत है बताइए? हम भगवान की शरण में नहीं जाते, भगवान से मांगने जाते। क्या मांगने जाते वो आपको भी पता है। जब जब मुसीबतों में गिरते हैं तो भगवान को एक लिस्ट पकड़ा गया जाता है। कभी तो कह दो मुझे तुमसे कुछ नहीं है चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे सेवा, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मिल जाओ। जब आप हमें मिल जाओगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बस हमें आप चाहिए, आप मिल जाओ, आप आ जाओ, आप हमारे हो। कभी दिल से गाया तो करो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे मेरे। कभी तो दिल में भर के प्यार से ये उच्चारण करना चाहिए। हे मेरे प्यारे, दुनिया के कितने भी तुम बटरिंग कर लो, ये दुनिया वाले तुम्हारे नहीं है, और मेरे कन्हैया को बटरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार प्यार से कह दो, आई एम योर, हम तुम्हारे हैं, यू आर माय, तुम मेरे हो। आफ्टर दैट कुछ भी नहीं शेष रहेगा, सब कुछ। ब्रज की गोपियों को क्यों मिल गया कृष्ण, क्यों हर पल ब्रज की गोपियां सिर्फ कृष्ण कृष्ण करती हैं? क्योंकि अपने पति पुत्र परिवार की चिंता को त्याग कर वो ब्रज की गोपी कहती हैं, हे प्रियतम, तुम हमारे थे तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रीतम। दोनों हाथ उठाकर बोले, हे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे
साची प्रीत गिरी निभा दो ओ मेरे प्रियम, हम तुम्हारे अपनापन होगा तो कैसे वो हमें छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने ऊपर ही सोचो, जिन जिन से तुम रिश्तेदारी निभाते हो, तुम उनके यहां आते हो, वो तुम्हारे यहां आते हैं, आना जाना तुम्हारा ना लगा रहता है, फिर भी वो चाहे दिखाने वाला ही सही, कितना प्रेम दिखाते, अरे फलाने जी आए जरा ध्यान रखना, अरे हमारे बहुत प्रिय हैं जरा ध्यान रखना, करते कि नहीं? चाहे दिखावा ही करें, करते तो हैं। तो क्या मेरा ठाकुर जी इन जैसा भी नहीं है? मेरा कृष्ण इन जैसा भी नहीं? मेरा कृष्ण मैं बता नहीं सकता, इनकी तो उपमा देना ही पाप हो जाएगा, अगर इनकी उपमा दे देंगे भगवान से तो पाप हो जाएगा। मेरा कृष्ण क्या है, मेरा गोविंद क्या है, ये बताने का विषय नहीं है, ये जीवन में आनंद लेने का विषय है। कैसे आप समझा सकते हो कृष्ण कैसा, कैसे आप समझा सकते हो मेरा गोविंद कैसा? वो कंस के लिए महाकाल है और भक्तों के लिए वो परम दयालु है। तो अब तुम क्या हो, कंस हो कि भक्त हो, वो तो तुम्हें डिसाइड करना है। तुम जैसे हो वो वैसा बन जाएगा। तो मेरे प्यारे, जब भी कहीं असुविधा हो, जब भी कहीं तुम फंसने लगो, देवराज इंद्र की तरह अगर अपराध कर बैठे हो तो दुनिया वालों में डिडोरा मत पीटो, सीधे अपने गुरु के समीप चले जाओ, गुरु जी से पूछो, गुरुदेव अपराध हो गया है, निवारण कैसे होगा? अब जानबूझ के मत करना, बोले कर लो फिर गुरुजी पे चलेंगे, ऐसा नहीं। अबोध अज्ञानता बस, अज्ञानता बस कई अपराध होते हैं, अगर हो गए हो तो गुरु के समीप जाओ और वो गुरुदेव निश्चित तौर पर तुम्हारी सिफारिश करके मेरे ठाकुर जी से तुम्हें क्षमा करवा देंगे, बस आगे से नहीं होनी चाहिए वो मिस्टेक। इंद्र ने कहा प्रभु अब अपराध हो गया, अब क्या करें? बोले एक ही काम करो, जाके सीधे चरण पकड़ लो, जैसे ही चरण पकड़ लोगे सब बराबर हो जाएगा। काम धेनु गाय को आगे किया और भगवान के समीप पहुंचे, हाथ जोड़कर त्राहिमाम 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 कहा और जैसे ही गोविंद के श्री चरणों में प्रणाम किया, सब ब्रजवासी बोले अरे ओ भैया जी कौन है, है बड़ी देवता की ऐसी लग रहे हैं, देवताएं का? बोले हाँ देवता ही है, ये तुम्हारा राजा, ये तुम्हारा वो देवता है जाके तुम पूजा करो, करे करे इंद्र देवतान को राजा यही है, हाँ यही है। ब्रजवासी तो ब्रजवासी बोले सारे एक बेर पूजा ना करी, भूख के मारे यहीं चले आयो, इतने दिना ते पूछ रहे, इतने दिना ते पूजा कर रहे, एक दिना हमें जुनाया सारे ने यूं कहियो चलो नेक देर का दर्शन दिया और जा देना ते एक बेर पूजा न करी झट आए गए। दूसरा बोले रे बाबरे ऐसे ना कहें, ये हमारे कन्हैया की लीला है, तुम जानो नहीं हो, ये कन्हैया को प्रभाव है, कन्हैया के प्रभाव की वजह से यहाँ आयो है। और इंद्र जो है लौट गए, लौट गए चरणन में, प्रभु क्षमा कर दो बड़ो अपराध भयो, मैं नहीं जान्यो रूप तुम्हारो,
आप ही को बनायो भयो इंद्र और आप ही को नहीं समझ सक्यो। हे प्रभु एक काम कर दो अब। कहा नहीं स्वर्ग सुकाम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जावनी है। या इंद्र बनवे के अभिमान में मैंने आपको अपराध करो तो एक काम करो या इंद्र पद का और दे दो हमें ना चाहिए। नहीं ब्रह्म सुकाम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जावनी है। ब्रज की रज में रज है के मिलूं, यह प्रीत की रीत निभावनी है। बने वल्लभ गाय चरायो करूं, हे प्रभु हमें ब्रज को ग्वारिया बना दो। ग्वारिया कौन? गैया चराये वालों। और ग्वारिया नहीं बना सको तो मट्टी बना दो, ब्रज की रज बना दो, कम से कम आपके श्री चरण हमारे ऊपर तो पड़ेंगे। बन बल्लभ गाय चरायो करो, सुनु ग्वालन की गहरावनी है। नद नंद की देहरी पे घिस के ये कर्म की रेख मिटा। देखो कितना अच्छा भाव है, तुम्हारी कल्पना से परे बड़े बड़े राजा महाराजा देवता भी क्या मांगते, मोरहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, नाचे नाचे कहो कि आपको रिझाओ। मरकटहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, कूद कूद वृक्षन पे जोर को जताऊंगो। भिक्षुक बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, अगर भिखारी बनाओ तो दिल्ली का मत बनाना है जी। भिखारी बनाना हो तो दिल्ली का मत बनाना। दिल्ली के भिखारियों को पैसा तो मिलता है लेकिन ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, हट्टा कट्टा हो रहा, काम नहीं कर सकता, यहाँ आके खड़ा हो जाता, शर्म नहीं रही है। नहीं भिखारी भी बनाओ तो कहाँ का, भिक्षुक बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। मांग मांग टूक हरि भक्तन के खाओ, भृंगी कुकी जकीर या ही शिव वृंदावन को। राधा कृष्ण राधा कृष्ण आठो याम भाओ। जो बनाना है ब्रज का बना दो, बंदर बना दो, मोर बना दो, भिखारी बना दो, पक्षी बना दो, धूल बना दो। कन्हैया कहने लगे अरे भैया भी तेरे ऐसे भाग्य ना है, तू यहां को बने, तू मई जा, जहां ते आयो मई जा और जल्दी जा, क्योंकि तुम्हारे यहां रह बैठे मेरी लीलान में विघ्न पड़ रहे हो। और सुनो तुमने अपराध नहीं करे है, ये तुम्हारो अपराध नहीं, तुम्हारी सेवा है। क्या सेवा है, क्या सेवा है? बोले देखो ये सब ब्रजवासी ना वो जिमामते गए जिमामते गए जिमामते गए, ये ले ओ, ये ले ओ, ये ले ओ, ये भी पाओ, ये भी पाओ, जाके घर ते न पा में बुई नाराज। और तुमने तो बड़ो अच्छो करो, जो आज तक ब्रजवासी मोते मिले नहीं है, जो ब्रजवासी मो तक पहुंचे नहीं है, तुमने बड़ो बढ़िया कर दियो। क्या कर दियो? बोले आज वो ब्रजवासी बारिश के वजह से सब मेरे पास में आ गए और उन्हें सबने में देख लियो, आज सब रहने